नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube का सबसे ज्यादा लोकप्रिय इंटरटेनमेंट चैनल बकबक टीवी। बकबक टीवी पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बकबक टीवी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 हम सबके लिए बहुत ही खास है और ये उंगली जो है वो इसलिए है कि मतदाता जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपने घरों से निकलकर जाकर वोट करें, क्योंकि जब तक आप वोट नहीं करेंगे तब तक अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे, और अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा। तो इसलिए आप घर से निकलें और वोटिंग करें। आज अगर हम सब जानते हैं कि लोकसभा बिल्कुल अब सर पे है, बहुत नज़दीक है, और तमाम लोग, देश का एक त्यौहार है ये बहुत बड़ा, जहां हम अपने जनाधिकार का प्रयोग करते हैं, मतदान देकर हम अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और इस तरीके से फिर वो कैंडिडेट हमारे देश के लिए, हमारे खुद के लिए काम करते हैं। तो यही मौका है कि आप जो मतदान करने जा रहे हैं वो आपको करना ही करना है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और खास तौर से उन युवाओं के लिए मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ जो लोग पहली दफा वोटिंग करेंगे। फर्स्ट लव तो आप समझते ही होंगे, तो ये फर्स्ट वाला लव जो है वो आपका वोट है, जिसको आपने करना है। और क्योंकि आप युवा हैं, बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है आपको, लेकिन वोटिंग जरूर करना है। इससे क्या होगा कि जो इतना पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है, आप जानते हैं कि वोटिंग वाले दिन नेशनल हॉलीडे के तौर पे गवर्नमेंट छुट्टी देती है, तो उस छुट्टी का भी सही से उपयोग हो। आपको एक वोट ही तो डालना है, लेकिन आपने वोट करना है, जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि आपका मतदान कितना ज़रूरी है, आपको अपना मतदान करना ही चाहिए। और आप अगर मतदान करेंगे तो यकीनन फिर आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं रह जाएगी, इसलिए अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें, अवश्य करें, वोटिंग अवश्य करें। आइकॉन रहने का मौका तो कई बार मिला, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आइकॉन होकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये बहुत यूनिक है। और मैं तो सिर्फ सोचकर बहुत खुश हूँ कि बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों से मिलेंगे और हम उनको जागरूक करेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। पिछले कई सालों से मैं करता रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली इस बार पहली बार होने जा रहा है कि हीरो राजन कुमार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऑफर आया है कि आप लोगों को जाकर जागरूक करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएंगे उनसे। तो इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को अपने सीने में बसाए रखना। जय हिंद। Thank you for watching Bagbag TV channel. For interviews and events coverage, contact on 989204-6798. Please subscribe Bagbag TV channel and press bell icon for latest videos.